बिग बॉस हमने कभी देखा ही नहीं तो हम कैसे बताएं। लेकिन क्या शुभकामनाएं होगी कुमार सानू साहब का बेटा है राहुल वैद्य इस बार दो सिंगर है घर के अंदर, क्या शुभकामनाएं होगी आपकी तरफ से? राहुल को हम जानते हैं, राहुल बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत अच्छा खेल रहा है, ये भी मुझे पता लगा है। और कुमार सानू जी का बेटा, उसको भी हम शुभकामनाएं देते हैं, अच्छा करें, थोड़ा संभल के बोले, जो चीज़ें बोलता है थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, मैच्योरिटी और उसमें आनी चाहिए मुझे ऐसा लगता है। सर इस बार भी एक जोड़ी आजाद की और पवित्रा की जोड़ी जो है, ये देखिए बिग बॉस आ गए, आ जाओ ना बिग बॉस, असली बिग बॉस आइए ना, ज्वाइन ज्वाइन ज्वाइन, कम ऑन ज्वाइन, अरे आओ दिखा के आओ, याद हूँ मैं, अरे याद है याद है, चलो 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 आ जाओ, अनूप जी बात करेंगे, बिग बॉस आ गए, अनूप जी बात करेंगे। मैं इस बार देख नहीं पा रहा क्योंकि मैं अयोध्या में था, अयोध्या जी से वापस आए हैं, मैंने जब तक सिड बार गया तब तक देखा है, उसके आगे देखना है, तो इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा ज़्यादा, आप लोग बताइए। इस बार भी विभागीय तैयारी हो रही है बिग बॉस में, क्या कहना चाहेंगे आज पवित्रा की? अगर मुझे सच में बिग बॉस पता ही नहीं है, मैंने बिग बॉस कभी इतना देखा है, सीजन 12 देखा था आपने? मैं नहीं देखा था, सिर्फ खेला था, देखा नहीं था, खेला था, अपने भी एपिसोड नहीं देखे। एजाज और पवित्रा की शादी? हां जी, जल्दी बाजा बजा, ना नहीं नहीं नहीं, ये तो किस बात में सर, आप क्या रहा है टीआरपी का स्टंट? नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है, एजाज अलग ही आदमी है और पवित्रा अलग आदमी है, जब शादी हो जाएगी दो दिन चलेगी, करने कर लो, मुझे लगता है कि ये शादी चल सकती है, बड़ा यार ऑप्टिमिस्ट पंडित है, आ जा। मैंने भोगी नहीं, हम भोग रहे हैं। जसलीन की शादी होने वाली बहुत जल्दी। आई नो, मैं तो एक्चुअली देख रही हूँ, राइट राइट, मेरे को छोड़ने भी आई थी जब मेरी एंट्री थी, एंड आई एम एक्चुअली वॉचिंग दिस सीजन Rubina Abhinav. Please tell me what you think about Rubina. I think she's playing fantastic. I think really? Yeah, of course. Why not? See, Big Boss कैसा होता है? Showing your personality, ठीक है? Lot of people will like her, lot of people will not like her. But मैं जितना उसको जानती हूँ, मुझे पता है ये उसकी personality है. और मुझे वो ऐसी ही है, वो ऐसी ही है. मैं ऐसा क्यों हूँ? मतलब you know, like her or hate her, but you cannot ignore her. मतलब बोल चुकी है रोने जी. हाँ, बहुत बड़ा इत्तेफाक है कि तीन यहाँ हैं खड़े हुए, तीनों बिग बॉस में आ चुके हैं। आई नो, ये आपको कभी कभी कैमरे में ऐसा मिलेगा, तो इसका मजा ले लीजिए। और हम भी ऐसे फुल बिग बॉस लवर। हां, एक जान के ऊपर काफी बवाल हुआ है भाषा को लेकर, मराठी में बोलिए तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कर्म भूमि जन्म भूमि की बात। देखो हम लोग तब तो भाई मुंबई में पैदा हुए, तो हम लोग तो सिर्फ यानी वी लव मराठी एंड ही आल्सो आई डोंट नो व्हाई कैसे ऐसे तरीके में निकल जाता कुछ कुछ, मैं तो वहाँ तक पहुँचा नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी बच्चे लोग कुछ इफेक्ट के लिए कोई उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, आई एम श्योर ही डिडंट मीन इट, बाहर आके माफिया मांगेगा, लेकिन कभी कभी कुछ ना कुछ निकल जाता है, कोई कुछ बोल देता है, कभी कोई पंजाबियों के लिए बोल देता है, कभी गुजराती के लिए बोल देता है, तो वी मस्ट नॉट टेक इट टू मच टू हार्ट, बचपना सोचा, पर हमें पता है कि मी मराठी आहे आणि मला फार छान येते, मी पार्टी में जा रहा हूँ, प्यार करते हैं मराठी। अगर योगेश जी कुछ कर रहे हैं तो वो इम्पोर्टेंट तो है ही, वरना वो हर जगह जाके कर देंगे उसको इम्पोर्टेंट, तो आई एम श्योर इट विल बी गुड, वो छोटी मोटी चीज़ में हाथ नहीं डालते, योगेश जी के लिए हम लोग आए, मैं जाके देखता हूँ ये ऐप, आई थिंक चल रहा होगा, चलो चलो चलते हैं, चलिए जी ले लो पॉइंट ऑफ व्यू। चलो सर हम दोनों आ जाते हैं ना, एक मिनट सर, क्या बोलना है किसके बारे में? दिवाली, हाँ दिवाली की शुभकामनाएं सभी को, और ये कोरोना की प्रॉब्लम जो है दूर हो जाए, आप सब ऐश करें, मजे करें, स्टे सेफ, प्लीज फटाके मत फोड़िए, कोरोना के वजह से बहुत लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं, सो आई थिंक वी शुड हेल्प देम, एंड
ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, उनकी मदद हम ऐसे कर सकते हैं बाई नॉट बर्स्टिंग क्रैकर्स एंड हैव अ मिठाइयाँ खाओ, बहुत तरीके हैं दिवाली मनाने के लिए, मिठाइयाँ खाओ, खूब सारी ड्रेस अप एंड क्लिक पिक्चर्स एंड या हैप्पी दिवाली, थैंक यू. आई थिंक ये एक नेसेसिटी थी हर एक इंडिविजुअल के लिए, और ये पंकज जी और ब्राइट आउटडोर मीडिया ने बहुत अच्छा किया कि ये आपको लॉन्च किया, और आई थिंक ये हर एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. इनफैक्ट मैं खुद यूज़ करने वाला हूँ पर्सनल लेवल पे. सो या दैट्स ऑल, थैंक यू, थैंक यू. सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल डे. आज एक बहुत बड़ा जो मीटिंग ऐप लॉन्च हो रहा है, बहुत, क्योंकि आजकल मेरे ख्याल से फ्यूचर जो है ऑनलाइन भी है. अभी तो हम लोग जो मीटिंग कर रहे हैं तो कुछ लोग हैं, मेरे ख्याल से कुछ दिन बाद ऑनलाइन भी सब कुछ होगा. और आज के दिन कुछ लोग इस धरती पे आए हैं, शाहरुख खान जी हैं, उनके जन्मदिन है. थैंक यू सो मच, मेरा भी जन्मदिन है. तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आजकल फ्यूचर ऑनलाइन में है, ऑनलाइन के ज़रिए हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं. इनफैक्ट 7 महीने के बाद मैं इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई हूँ, पहली बार वर्चुअल प्रोग्राम कर रही हूँ ऑनलाइन में. नॉर्मल प्रोग्राम तो बंद हो गया है, तो अच्छी बात है. जो फ्यूचर है, मैं ऑलवेज बिलीव करती हूँ गो विद द फ्लोस, क्योंकि युग के साथ चलना चाहिए. ऑनलाइन है तो ऑनलाइन के साथ ही चलना है. और थैंक यू सो मच कि इसने जोगेश भाई हमारे और शाली के मिल के ये एप्स बनाए हैं. कंग्रेचुलेशंस आप सबको. सब लोग कैसे हैं आप लोग, ये पहले बताइए. बढ़िया है. ऑनलाइन में सोशल डिस्टेंस, मास्क, ये सब कुछ है. इसलिए मास्क पहले मास्क हो गया है. दिवाली में सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिवाली की शुभकामनाएं. मैं मधुश्री और आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच. Wish him all the very best. Yeah. Thank you, sir. COVID भी चल रहा है, तो इस ऐसे मौके पर My Meeting इस तरह के app कितना important आप इसे मानते हैं? मैं थोड़ा detail में आपको app को समझने के बाद बताऊंगा. I've come basically as an invitee for his thing. So I just come to wish him for the introduction of his app. I don't know much about the details, but I will find out and talk to you later. Thank you. Thank you. Say something. Wishing him all the best for this new venture. Nowadays, it's really important, to stay home, to stay safe, and to use the app as more, as much as possible, rather than stepping out of the house. All right, thank you. Thanks. Thank you. हाँ जी, कैसे आप? आपको यहाँ देखना है, तो माय मीटिंग ऐप, आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म को लेकर?
आई थिंक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और ये सबसे बढ़िया बात ये है कि ये मेड इन इंडिया है मेड इन इंडिया है और योगेश जी और शैले ने इसको बनाया है। मैंने ये सोचा कि जो हमारी ऑडियंस होती है वो अपने चहेते एक्टर्स डायरेक्टर्स सिंगर्स आर्टिस्ट और डॉक्टर्स या किसी से भी जिससे भी वो मीटिंग करना चाहते हैं वो माई मीटिंग ऐप के थ्रू बात कर सकते हैं रूबरू होके। सो दैट इज़ रियली अ फैबुलस आइडिया आई गेस। ये हमारे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि अपने जो ऑडियंस है उसके साथ कनेक्टेड रहें। तो ऑडियंस के साथ कनेक्ट होने के लिए यू नीड अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर वो रूबरू आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, हम उन्हें गाने सुना सकते हैं या उनके फेवरेट सॉन्ग्स हम गुनगुना सकते हैं जो किसी और के आर्टिस्ट के द्वारा भी गाए गए हों। सो इट्स रियली फन एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मज़ा आने वाला है। आई वुड से थैंक यू टू माई ऑडियंस एंड ऑल ऑफ यू के आप लोगों ने मेरे जो सिंगल्स हैं जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक है उसको इतना ज़्यादा पसंद किया है एंड लोग म्यूजिक के साथ साथ मुझे भी उन गानों में बहुत पसंद कर रहे हैं। सो दैट इज़ रियली गुड अबाउट इट एंड मुझे बहुत मज़ा आता है सिंगल्स करने में। आई एम डूइंग मोर होप कि फ्यूचर में आपको और भी सुनने को मिले डेफिनेटली। एंड यारा इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एंड योर फेवरेट टू सो आई विल सिंग टू लाइंस ऑफ इट के दुआ में तुझे याद करते हैं सौ सौ बार करते हैं मिले हर जन्म तू ही हमको यही फरियाद करते हैं। गो ऑन माई मीटिंग ऐप। Happy Diwali to all of you. Hi, this is Mamta Sharma and a very happy Diwali to all of you. Thank you. Hi everyone. बहुत time बाद मिल रहे हैं सारे। हाँ. Thank you. अभी festive season चल रहा है ना तो सारा वैसा ही लोग होगा अब। बहुत लिमिटेड मीटिंग्स हो रही हैं अभी, जितना हो सके लोग अवॉइड कर रहे हैं। ऑल्दो अभी लोग मिलना शुरू हुए हैं एक दूसरे से, मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन अगेन बहुत कम लोगों से मिलना जुलना हो रहा है। और मुझे लगता है जहाँ तक मैंने सुना है कॉन्सेप्ट इस पूरे ऐप का, आई थिंक इट्स गोइंग टू डू रियली वेल बिकॉज लोग कनेक्ट कर पाएंगे अच्छे से। अगर आपको डॉक्टर चाहिए एक यू नो लाइक जैसे दूसरे ऐप्स में हो रहा है, आप वीडियो पे हम बात कर सकते हैं तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक ऐप और लोगों के बहुत काम आने वाला है। बिग बॉस में कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जैसे जान कुमार शानू हैं, राहुल वैद्य हैं, निशांत हैं। मैं ज़्यादा फॉलो नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज़ मैं कुछ अपने ही प्रोजेक्ट्स में भी बहुत बिजी हूँ और जैसे आप जानते हैं अभी 7-8 months हम कुछ काम नहीं कर पाए हैं। तो जैसे ही अब थोड़ी छूट मिली है, जैसे शूट्स शुरू हुई हैं, वैसे ही भागम दौड़ी भी शुरू हो गई है। सो आई वॉज शूटिंग फॉर माई वेब सीरीज़ नाउ और बिग बॉस, इस वजह से मैं नहीं फॉलो कर पा रही हूँ। फेवरेट कंटेस्टेंट, आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से अभी क्या हो रहा है एग्जैक्टली, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट जो भी है कॉन्सेप्ट बिग बॉस का हमेशा बहुत ही धमाकेदार होता है। तो आई एम श्योर इस बार भी होगा एंड ऑल कंटेस्टेंट्स आर गोना रॉक फॉर श्योर। नहीं ये मुझे भी नहीं पता है, मुझे नहीं पता अनूप जी ने ऐसे क्यों कहा है, पर फिलहाल शादी ऐसी कोई प्लान अभी कुछ है नहीं। ऑफकोर्स मैं शादी करना चाहती हूँ, शादी मेरे दिमाग में है, बट अभी नहीं, अभी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, अभी बहुत सारा काम करना है, उसके बाद शादी के बारे में डेफिनेटली जैसे लड़का मिल जाएगा मुझे वैसे मैं ज़रूर बताऊँगी कि कब शादी कर रही हूँ। जी बिल्कुल। हाय एवरीवन, मैं हूँ जसलीन मथारू, आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टे सेफ एंड बी सेफ, घर पे बहुत सारी मिठाइयाँ खाइए और कम से कम पटाखे जलाइए और सेफ रहिए। थैंक यू। थैंक यू। और सब ठीक है जी? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ब्राइट एंड शर्ले प्राइवेट लिमिटेड के लिए कि उन्होंने ऐसा कुछ सोचा
कि स्पेशली जो हम आजकल का एटमॉस्फेयर देख रहे हैं, इंडियन ऐप का आना बहुत ज़रूरी है, इंडियन इकोसिस्टम का बढ़ना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली डिजिटल में सब कुछ, हमारी पूरी दुनिया डिजिटल जा चुकी है. सो ये माई मीटिंग ऐप जो है बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो आई थिंक बहुत से लोगों को बहुत फ़ायदा देगा. जी अभी मेरा जैसे अभी लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद ही शूटिंग स्टार्ट हो गई जो मैं कलर्स में शो कर रहा हूँ शक्ति. और अभी एक और चीज़, मैंने एक कहानी लिखी भी है वेब सीरीज़, तो वो भी ऑन फ्लोर चल रही है. तो आई थिंक काम वापस स्टार्ट हो चुका है और ये होना भी चाहिए, लोगों को धीरे धीरे काम स्टार्ट करना चाहिए, ऑफकोर्स विद प्रिकॉशंस एंड एवरीथिंग. दिवाली क्या, आई थिंक जैसे हम हर साल मनाते थे पूरे धूम धड़ाके के साथ, वो धूम धड़ाका भी दिल में रहेगा, वो जज्बातों में रहेगा, वो फिज़िकल में थोड़ा कम दिखे. हमें आई थिंक ये दिवाली ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेट करना चाहिए कि हम अपने परिवार के साथ, अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम बिताएं और जिनकी हम मदद कर सकें उनकी मदद करें. और सभी को हैप्पी दिवाली. हेलो, माय नेम इज़ अविनाश मुखर्जी एंड आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. नमस्कार, मेरा नाम विजय विक्रम सिंह है और #अब आवाज़ दिखेगी आप इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे तो मेरे बारे में पता चल जाएगा. फैमिली मैन देखा कि नहीं देखा? मिर्ज़ापुर 2 देखा कि नहीं देखा? और फैमिली मैन 2 अभी आने वाला है, वो भी देखिएगा. और ये जो ऐप लॉन्च हो रही है माई एप्लीकेशन, ये बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है. शुक्रिया अदा करना चाहूँगा योगेश भाई का, पंकज जी का, इस तरह की ऐप लॉन्च कर रहे हैं ताकि हम लोग की रीच बढ़ेगी. हम लोगों की रीच ऐसी जगहों पर, ऐसे शहरों में जाएगी जहाँ पर लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं पर उनको कॉन्टैक्ट नहीं पता. तो बहुत ही अच्छा आइडिया है और बहुत बहुत शुक्रिया. और मैं योगेश भाई को, पंकज भाई को शुभकामनाएँ देता हूँ इस इनिशिएटिव के लिए. देखिए, हमारी तरफ से तो हमारा काम तो हो चुका है, मतलब शूट और डब वगैरह हो चुका है, पोस्ट प्रोडक्शन का काम बचा हुआ है. उम्मीद है कि इस साल के अंत तक रिलीज हो जाएगी. उम्मीद है कि इस साल वेब सीरीज बहुत ज़्यादा जी जी पसंद भी कर रहे हैं. आपने भी जो है बैक टू बैक मिर्ज़ापुर को भी अच्छा प्यार मिल रहा है, फैमिली मैन जी. हाँ जी, सीज़न 2 भी आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? वेब सीरीज का जो दौर चला है बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है क्रिएटिविटी दिखाने का और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आर्टिस्ट को अपना हुनर दिखाने का और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ऑडियंस के लिए भी कि उनको अलग अलग तरह का कंटेंट देखने को मिलता है. और एक्सपेरिमेंटेशन जो हो रहा है वेब सीरीज़ में OTT प्लेटफॉर्म्स पर, वो बहुत अच्छा है. सर, बहुत कम लोगों को पता है किसकी आवाज़ है आप हमारे आज हमारे सामने हैं, क्या कहना है दर्शकों का, क्या कहना चाहेंगे आज? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मुझे आप बहुत सारे रियलिटी शोज में सुनते रहे हैं, सुनते रहेंगे और अपना प्यार देते रहिएगा. जैसे हमने पहले भी कहा था #अब आवाज़ दिखेगी. अब क्योंकि शूटिंग भी करते हैं, रिकॉर्डिंग्स भी रहती हैं तो टाइट रहती हैं चीज़ें, लेकिन कोविड की वजह से शूटिंग वगैरह क्योंकि कम हो गई हैं तो थोड़ा टाइम घर के लिए भी मिल जाता है, परिवार के साथ बिताने के लिए. आप आवाज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अलग ही आवाज़ है जो करोड़ों की, लाखों की पूरे देश में बोलती है, वो चीज़ शायद ही ये ऊपर वाले की नेमत है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है और थोड़ी हमारी मेहनत है, थोड़ा हम लोग को काम करना पड़ता है तो वो करते हैं, थोड़ा रियाज वगैरह करते हैं और उस आवाज़ को दुरुस्त रखते हैं ताकि आप लोग इस तरह का प्यार देते रहें. सर, अभी भी रनिंग है, शो चल रहा है, तो आप टाइम कैसे निकाल पाते हैं, कितना टाइम है उसके बाद? अभी मेरा जैसे इंडियाज़ बेस्ट डांसर भी चालू है, इंडियन आइडल भी आने वाला है और भी कुछ शोज हैं, तो टाइम मिल जाता है क्योंकि कोविड का समय है तो बहुत ज़्यादा समय सेट पर नहीं बिताता. वेलकम टू माई एप्लीकेशन ऐप. इस ऐप के जरिए आप जुड़ेंगे हिंदुस्तान के प्रीमियर आर्टिस्ट के साथ. बहुत खूबसूरत शो है. सर, अंदर से बुलावा आ रहा है तो बस यही है कि आगे देखिए, देखते रहिए. सर प्लीज. दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं. नमस्कार, मेरा नाम विजय विक्रम सिंह है और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं. हम लोगों के प्रति जो आप
बरसाते रहे हैं, वो बरसाते रहिए, हमारे शोज देखते रहिए, मिर्ज़ापुर देखिए, फैमिली मैन 2 आने वाला है वो भी देखिए, इंडियन आइडल लॉन्च होने वाला है वो भी देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।